सभी को प्यार भरा जय गुरु। मानवता के महान पुजारी वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकड़ोजी महाराज जी के पुण्यतिथि के पावन उपलक्ष्य में उन्हीं के अनमोल विचार उनके शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत समाज की भूल यह व्याख्यान वंदनीय महाराज जी ने 18 अक्टूबर 1937 में नागठाना जिला बैतूल मध्य प्रदेश में आयोजित धर्म सेवाश्रम में मुमुक्ष साधकों को दिया हुआ है। इसी के माध्यम से महाराज जी ने उनके चमत्कारों के ऊपर के विचार प्रकट किए हुए, तो चलिए बढ़ते हैं महाराज जी के अनमोल विचारों की ओर। प्यारे भाइयों, साधु चमत्कार नहीं करते, जो साधु चमत्कार करने वाले होते हैं उन्हें मदारी कहने में कोई हर्ज नहीं। सच्चे साधु निसर्ग से बहने वाले होते हैं। साधु की किसी कृति में सहज चारित्र में जो बात लोगों की सामान्य दृष्टि से विशेष सी दिखाई होती है, उसको लोग अपनी सहज श्रद्धा और निर्बल भावना के कारण चमत्कार समझ लेते हैं। हाथी का सहज वो चींटी को बड़ा चमत्कार सा प्रतीत होना, या भूले हुए सिंह पुत्र को सिंह का गजक्रंदन कर्म देखकर अत्यंत आश्चर्य सा मालूम होना स्वाभाविक है। अन्य जनों को अपनी आत्मशक्ति का परिचय न होने से आत्मवान संतों के लीलाचार में चमत्कार दुग्गोचर होना असंभव नहीं है। अगर लोग अपनी ताकत को आजमा लेते तो उन्हें साधुओं में चमत्कार कभी नहीं दिखता, और जहां वहां दीनता दिखाकर परतंत्र होने की, भीख मांगने की और रोने की भी जरूरत नहीं रहती। अर्थात सभी लोगों का यह आद्य कर्तव्य है कि अपनी आत्मशक्ति की पहचान कराकर उस पर अमल कर शांति प्राप्त करे, और इसी कार्य के लिए संतों का सहारा लेवे। भोले लोग अपनी श्रद्धानुसार भले ही चमत्कार कहते होंगे, वे मूर्ख है, परंतु यदि कोई साधु यह कहे कि मैं चमत्कार करता हूं तो वह महान ढोंगी और मूर्ख है, ऐसा मैं बेशक कहूंगा। इंसान का कर्तव्य किसी भी बात को बिना सोचे ग्रहण नहीं करना चाहिए, सोच सोच कर कदम डालते रहना चाहिए। अन्य करता है वैसा स्वयं भी करना, यह अंधानुकरण या भूल कही जाती है। तुम ही तुम्हारे शत्रु और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। तैरना डूबना तुम्हारे ही प्रयत्न पर निर्भर है। तुमने अगर अपना खुद का उद्धार करने के लिए दुनिया में जन्म पाया हो तो तुम्हें अपनी सत्सत विवेक बुद्धि को उज्जवल बनाकर ही मार्ग आक्रमण करना होगा। चाहे तुम साधु हो या गृहस्थी, अगर तुमने केवल लोगों को तुष्ट रखने के लिए ही जन्म पाया हो या कोई भी ध्येय तुमको मिलाने की जरूरत नहीं है, तो चाहे जैसे चाहे वहां घूमते रहो, ढोंग बनाओ या और कुछ करो, तुम्हें मुबाह है। लेकिन ख्याल रखो, अविचार से मनमाने बहने वाले कभी भी शांति नहीं पाते, जहां वहां मारे ही जाते हैं। अनेक दुखों की वर्षा भयंकर पश्चाताप की ज्वलंत आग में एक दिन तुम्हारी समाप्ति कर देगी। चाहे साधु रहे या व्यवसायी, न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। मुझे बड़ा ही दर्द होता है कि प्रस्तुत कलिकाल में साधु और समाज दोनों भी असली ध्येय को भूलकर अपनी मर्यादा आचरण तथा कर्तव्य को भूल गए हैं और केवल रूढ़ी पर ही बह रहे हैं। यहाँ जो कोई साधु लोग हो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सत्य कर्तव्य को भूलकर ऊपर से यदि तुम लौकिक बड़ाई संपादन करोगे तो एक दिन भयंकर संकट में गिरना होगा। साधु को केवल रूढ़ी पर नहीं भूल जाना चाहिए, झुकती हुई दुनिया को झुकाने में और खुद भी बहते हुए प्रवाह में बह जाने में पुरुषार्थ नहीं है। आत्मोन्नति के सत्य न्याय की कसौटी पर रूढ़ी को घिसकर देखे कि सच्चा सुवर्ण कौन है। प्रत्यक्ष सत्यानुभव पर आरूढ़ होकर विचार करे कि समाज कैसा बिगड़ता है। साधु की दृष्टि ऐसी चाहिए कि सभी लोग कैसे उन्नत होंगे। लड़का ठीक चले, ठीक ठीक बोले, ठीक सा आचरण भी करे, यह जैसी माता की दृष्टि होती है वही समाज के बारे में साधु की भी रहनी चाहिए। लड़का चाहे चोरी व्यभिचार कुछ भी करे, लेकिन अंत में मेरे मुंह में पानी तो डालेगा, ऐसी वृत्ति चुड़ैल डाकिनी माता की होती है।
समाज चाहे जैसा रहे, मुझे खाने पीने को दे दे बस है। यह भाव स्वार्थ साधु लोगों का है। ऐसे भाव वाले लोग ही समाज को रिझा कर भ्रम में गिराते हैं। ख्याल रहे कि साधु की दृष्टि भूत मात्र का हित करने की है और रहनी चाहिए, और लोगों का भी कर्तव्य वैसा ही हो।